नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित सक्सेना और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सहजधार रोड पर बहुत ही अच्छा मकान। मकान के एरिया की बात करें तो 238 गज का मकान है। फ्रंट हो जाता है इसका 25 फुट का और पीछे की बैक का जो बैक फ्रंट है वो हो जाता है 38 फुट और गहराई इसकी हो जाती है 75 फुट। टोटल 238 स्क्वायर यार्ड का मकान है। और आप बात करें गली की तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका सीवर वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। सहस्त्रधारा रोड जो आपकी मेन रोड है उस रोड से मात्र आपका 250 मीटर की दूरी पर ये मकान है। पूरा मकान क्या है, पूरा बंगला है, कोठी टाइप है। नीचे का एरिया जो बना हुआ है आपका पूरा हॉल बना हुआ है, उसमें एक आपका रूम भी है, साथ में किचन है, वॉशरूम है, ऊपर मतलब टूप्लेक्स बना हुआ है आपका। तो ये होगा, हो गया आपका ओवरव्यू और आपको करा दें मकान का टूर। टूर कराने से पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। आइए चलते हैं मकान का टूर आपको कराते हैं। आइए दोस्तों, देखिए ये हमने पूरा इसका गेट खोल दिया है। यहाँ से अगर आप अपने व्हीकल की एंट्री करते हैं, देखिए ऑलरेडी इसमें बड़ी वाली फोर्ड गाड़ी यहाँ पर पार्क है। आप इसमें आराम से अपनी दो गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। आगे की साइड में इसका स्पेस आप देख सकते हैं, पूरा खुला स्पेस है, ओपन स्पेस है। गमले वगैरह गिरनी पूरा यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये मकान की एंट्री यहाँ से भी हो जाती है और ये पीछे के साइड अगर हम जाते हैं तो पूरी गैलरी है, लगभग 2.5 फुट की गैलरी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये पीछे आपका पूरा ये बड़ा बैक सेटबैक आपको यहाँ पर मिल जाता है, बड़ा सेटबैक है। यहाँ पर एक सिलेंडर का स्पेस आपको बाहर के साइड दे रखा है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप मतलब सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से आप देख सकते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सिलेंडर आपका भारी होना चाहिए। बहुत ही सही जगह ही आपको दे रखी है, स्टोर रूम की तरह से ये पीछे का स्पेस आपको यूज़ कर सकते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं मकान के अंदर, मकान का पूरा टूर कराते हैं। ये स्पेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अपनी गाड़ी एक पार्क कर सकते हैं, दो गाड़ियाँ आप यहाँ पर आराम से पार्क कर सकते हैं। ऑलरेडी स्कूटियाँ पार्क हो रखी है, गाड़ी यहाँ पार्क हो रखी है, दो गाड़ी पार्क करने का स्पेस है मकान का। अगर आप प्राइस सुनना चाहते हैं तो प्राइस बहुत ही इमेजिन, बहुत ही कम अच्छा प्राइस आपको आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका रहता है यहाँ पे एक होम स्पेस। अब इस समय हम मकान के अंदर जाने वाले हैं, आइए। ये हमने मकान के अंदर एंट्री कर ली है। मेरे लेफ्ट साइड में स्टेयर्स ऊपर जा रहे हैं और ये आपका डाइनिंग एरिया हो जाता है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है, ये हॉल है, इसमें आप सोफा भी डाल सकते हैं और अभी इसमें फिलहाल डबल बेड पड़ा हुआ है, प्लस एक सोफा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। वे राइट साइड में देख सकते हैं ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है जो कि बाहर की साइड ओपन हो रही है। और ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग वर्क काफ़ी शानदार यहाँ पर हो रखा है। अभी हमने एंट्री कर ली है ओपन किचन के अंदर, पूरी मॉड्यूलर किचन है, आपको पूरा कबर्ड यहाँ पर आपको किचन कबर्ड यहाँ पर बना के दिए जा रहे हैं। डबल डोर फ्रिज देखिए ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस दिया जा रहा है जिसमें आप बैठ करके ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाता है पूजा घर, तो पूजा घर थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगा। ये पूजा घर हो गया हमारा और यहीं से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने एक एग्जिट बाहर के लिए जो कि मैंने आपको अभी पीछे से जाके दिखाया था, वो इसके सब पूरा ऐसे दिखा था, थोड़ा सा हमको खोल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये वही स्पेस है, हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों मकान काफ़ी अच्छा है, अभी आपको लेके चलते हैं ऊपर की ओर, ऊपर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपका टू रूम सेट बना हुआ है। और अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की ऑलरेडी फिटिंग हो रखी है। और ये आ जाता है आपका एक बेडरूम जिसमें अभी फिलहाल जो है आपके सोफा सेट पड़ा हुआ है, इसको आप बेडरूम की तरह से यूज़ कर सकते हैं। पीछे की साइड वेंटिलेशन विंडो है, हालांकि ये बेडरूम ही है। और बाकी आपको हम लेके चलते हैं ऊपर। अभी इस समय हम देखिए वीडियो बना रहे हैं, वो इस समय सनलाइट केबल यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट में आपको देखिए कितना अच्छा है आपको रोशनी। आइए आपको लेके चलते हैं ऊपर की ओर। अभी हम देखिए फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं,
फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद देखिए यहाँ पर एक जो स्पेस है, यहाँ पर टू बेडरूम सेट आपको मिल जाता है। पहला बेडरूम आपका यहाँ पर आ जाता है, बड़े साइज का बेडरूम है, ऑलरेडी किंग साइज बेड यहाँ पर पड़ा हुआ है। पीछे की साइड आप देख सकते हैं, ये आपको कबर्ड मिल जाती है, दो कबर्ड रखी हुई है, अटैच वॉशरूम है इसके अंदर, और एक वेंटिलेशन विंडो यहाँ पर फ्रंट पर आपको मिल जाती है बालकनी की ओर। आइए आपको अटैच वॉशरूम वो दिखा देता हूँ एक बार। ये आपका यहाँ पर आया था अटैच वॉशरूम। टाइल्स पूरी ऊपर तक लगी हुई है ताकि आपको यहाँ पर सीलिंग की प्रॉब्लम ना आए। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, ये आपका दूसरा बेडरूम आ गया है। तो देख सकते हैं बेडरूम का स्पेस यहाँ भी काफी अच्छा आपको मिल रहा है। सभी वेंटिलेशन विंडो बालकनी की तरफ है और यहाँ पे आपको मिल जाती है कबर्ड, इसमें दो वेंटिलेशन विंडो आ जाती है, पूरा मकान आपका हवादार है। ये आपकी कबर्ड आ जाती है यहाँ पे, और साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है अटैच वॉशरूम। टोटल यहाँ पर 3 वॉशरूम हो जाते हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं इसके बालकनी एरिया में। बालकनी एरिया देखिए आप, बिल्कुल खुला खुला स्पेस है यहाँ पर, गमले लगे हुए हैं यहाँ पर, ग्रीनरी का काफी ख्याल रखा गया है। देख सकते हैं पूरा रिहायशी एरिया है, चारों तरफ मकान पूरे डेवलप में बने हुए हैं। गाइस आपको लेके चलते हैं अभी इसकी छत की ओर, छत पे दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। देखिए सेटबैक पीछे, देखिए मकान में अगर आप आ रहे हैं तो मकान आपका पूरा खुला खुला होना चाहिए ताकि आपको रहने में कोई दिक्कत ना आए। पीछे के साइड आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्पेस दे रखा है, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह आप रख सकते हैं, वॉशिंग एरिया है जहाँ से आप अपने कपड़े आराम से धो सकते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं ऊपर की ओर, और ऊपर से दिखाते हैं आपको माउंटेन व्यू। पानी की टंकी 1000 लीटर की ऑलरेडी यहाँ पर रखी गई है, और साथ में आप देख सकते हैं हमारे पीछे की साइड, ये फ्रंट के साइड, ये आपका हो जाता है पूरा मसूरी व्यू। यहाँ से आपको मसूरी का व्यू आसानी से दिख जाता है। दोस्तों हमारा जो उद्देश्य रहता है, आप लोगों को मकान दिखाने का उद्देश्य रहता है कि आपको अच्छा मकान मिले और अच्छी जगह पर मकान मिले। सबको अपने अपने मकान सही जगह पर मिले, भगवान सबको अच्छे अच्छे मकान दिलाए। तो हमारे वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।